खबर मंगलोर से है, जहां पर अवैध रूप से अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को लेकर स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल मंगलोर क्षेत्र में ऐसे कई अस्पताल और नर्सिंग होम मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अवैध रूप से नर्सिंग होम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। इस कमेटी की जांच के दौरान जो भी अस्पताल लैब अवैध नजर आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी अनऑथराइज्ड है, जो हमारे उसमें सीए में रजिस्टर्ड नहीं है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी करा लें, और जो वहाँ डॉक्टर है जिसकी तैनाती के कागज प्रेषित किए गए हैं वो वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो हमारे स्तर से जो भी एक्ट में प्रावधान है उसमें एक्चुअली जुर्माने का प्रावधान है, तो जल्दी ही हम उसको भी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे।